स्नेहा धीर सांधा पंजाब टीवी अमृत गल होएगी जनता दे मुद्दे दी आज होएगी गल सच्चाई दी गल होएगी राजनीति दी वैसे अजे तक तो ठीक ठाक ही है तो बाकी शाम को पता लगे ठीक हो रहा जी हाँ ठीक ही हो रहा हाल हाल की घड़ी का ईमानदारी का बाकी अंदरों पता जाके लगता की हो रहा बिल्कुल बिल्कुल असी अपने वादियां दे अड़िग गए हैं जी अभी सेंटर दे भी जो वादे किए थे वो पूरे करते पे हैं यूपी भी किए और यूपी दे भी जो किए थे अभी अपनी जिस स्टेट दे जो वादे किए उसे ते अभी 100% खड़े हैं और कायम साडी सरकार आती है सब तो पहले अभी कानून व्यवस्था अच्छा विरोधी जो उसके खास ध्यान देंगे उसके बाद अभी अपने बॉर्डर को स्ट्रोंग करांगे जितों की आतंकवाद दिन घटना होती है उन्होंने रोकने की पूरी पूरी कोशिश करांगे 100% एफर्ट पूरे करांगे पंजाब के नशिया चलाने वाले ही राजनीतिक दिखने और मैंने डर जा कुछ राजनीतिक लीडर है ना ये शासन करते रहे उन्होंने ही यदा बेड़ा गर्क किया नशे और अज भी नशे के बिच उन्होंने ही हाथ है जो रिलीज से हेलो भाई नशा मुक्त तो होएगा जब रूलिंग पार्टी के बिच बैठे हुए लोग नशे के विरोध के बोलते रहे ਉਹੀਓ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੜ ਗਏ ਉਹੀਓ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਹਮਾਰਾ 133 ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ 132 ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਾਊਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਬਲਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਬੜਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ नहीं नहीं वैसे इस तरह तो नहीं होंगे ये कोई लीडर जिम्मेवार नहीं होंगे जो कोई शराब की डिमांड करता तो ये वोटर भी जिम्मेवार होंगे यहोजी गल कोई नहीं हाँ नहीं वोटर भी जिम्मेवार होंगे जोड़ा लेंदा देने वाले ने तो जितने की कोशिश करनी होंगी है वो तो हर तरह के लालच देगा जो तुम लालच फसोगे तो वोटर भी जिम्मेवार है ज्यादा रिस्पोंस किस पार्टी का आ रहा है सर इस टाइम देखो जी असं तो कहे साड़ी पार्टी का भी आ रहा बीजेपी का ही आ रहा बाकी असल पता जरा 10 तरीक में लगेगा इस वे सा पूरा मतलब लोग साढ़े ना काफ़ी लोग साढ़े वालों वोट पा गए ने आ भी रहे ने कोई असं ये नहीं कहे भी जिस तरह कहते भी बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है ये गल बिल्कुल गलत हैगी है पूरा साढ़ा जनाधार है जनता च की अपना संदेश पेश करना चाहोगे सर जनता जी संदेश पेश करना चाहवागे कि जिस तरह तुम यूपी के वेख्या किन्ने काम अच्छे काम होए ने सेंटर के भी होए ने जो तुम सब पंजाब मौका दोगे इतने भी बहुत अच्छे काम करा क्योंकि साढ़े जोड़े लीडर ने मोदी साहब बहुत ईमानदार ने वो कोई परिवारवाद नहीं।